नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पीएम मोदी ने लखनऊ में महारैली को किया संबोधित, साथ ही बोले आज की रैली देखकर चुनावी नतीजों का अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं पीएम ने देश से गरीबी और बीमारी मिटाने को अपना सपना बताया। पीएम मोदी ने रैली में विपक्ष पर एक बार फिर साधा निशाना, कहा विपक्षी कहते हैं मोदी हटाओ, लेकिन मैं कहता हूँ काला धन भ्रष्टाचार हटाओ। साथ ही पीएम अपील करते हुए बोले यूपी के लोग एक बार जातिवाद से ऊपर उठकर विकास के लिए वोट करें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में धर्म को लेकर दिखाई सख्ती, अब चुनाव के दौरान धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकेंगी पार्टियां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्म के नाम पर वोट मांगना है गैर कानूनी, अगर ऐसा हुआ तो होगी कानूनी कार्रवाई। बीसीसीआई पर चला सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पद से हटाया। पिछले 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी सुनवाई। पीएम की रैली से पहले टला बड़ा हादसा, कानपुर और मदना के बीच रेलवे ट्रैक को अज्ञात लोगों ने काटने की कोशिश की, लेकिन पेट्रोलिंग मैन के वहां पहुंचते ही बदमाश भाग निकले। वहीं घटना स्थल से आरी ब्लेड हुए बरामद। नोटबंदी के बाद से जनधन खातों में 50% से अधिक राशि हुई जमा, वित्त मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 21 दिसंबर तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खातों में कुल 71,557.90 करोड़ रुपए किए गए जमा। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमले का आज 1 साल हुआ पूरा। बता दें कि आतंकियों के साथ इस मुठभेड़ में 7 जवान शहीद हो गए थे और 37 लोग हुए थे घायल। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी, समाजवादी पार्टी का 5 जनवरी को लखनऊ में होने वाला राष्ट्रीय अधिवेशन फिलहाल स्थगित। लखनऊ के जनेश्वर पार्क में प्रस्तावित अधिवेशन को पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बुलाया था। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से है टूट की कगार पर, पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर बाप बेटे के बीच घमासान जारी। वहीं मुलायम बोले साइकिल हमारा हक। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने झुग्गी बस्तियों में रात्रि प्रवास के कार्यक्रम की इंद्रपुरी के गैस गोदाम झुग्गी बस्ती से शुरुआत की। तिवारी देर रात इस झुग्गी बस्ती में पहुंचे और यहां के निवासियों के साथ नववर्ष का स्वागत किया। पीएम मोदी की देहरादून रैली में भारी संख्या में आई भीड़ से घबराई कांग्रेस, रणनीतिकार पीके को सौंपने का बनाया मन। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पीके से मुलाकात कर भावी चुनावी रणनीति का खाका किया तैयार। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फोगाट सिस्टर्स को किया सम्मानित और हाल ही में शादी के बंधन में बंधी गीता को कैशलेस दिया शगुन। वहीं फोगाट सिस्टर्स की बायोग्राफी पर बनी फिल्म दंगल टिकट खिड़की पर कर रही है अच्छी कमाई। ओडिशा के बालासोर में अग्नि 4 मिसाइल का टेस्ट रहा कामयाब, ये मिसाइल 4000 किलोमीटर तक पड़ सकता है दुश्मनों पर भारी। आपको बता दें कि ये बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। किर्गिस्तान के रक्षा विभाग में सेना के शीर्ष पद पर भारतवंशी की हुई नियुक्ति। एक रिपोर्ट के मुताबिक किर्गिस्तान के रक्षा मंत्री अली मिर्जा ने केरल से संबंध रखने वाले शेख रफीक मोहम्मद को मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया है। आमिर खान की दंगल की कमाई ने तोड़ा सुल्तान का रिकॉर्ड। एक रिपोर्ट के मुताबिक दंगल ने 31 दिसंबर को करीब 22.72 करोड़ रुपए की कमाई की। इससे पहले सलमान खान की फिल्म सुल्तान ने रिलीज होने के दूसरे शनिवार को करीब 19 करोड़ की कमाई की थी। निर्माता विशाल भारद्वाज की आने वाली फिल्म रंगून का पहला पोस्टर हुआ जारी। इस फिल्म में शाहिद कपूर, कंगना रानावत और सैफ अली खान मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। ये फिल्म 24 फरवरी को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।